इंदौर जिले की दीपालपुर तहसील के ग्राम पंचायत झलारी अंतर्गत ग्राम धुरेरी जहां पर पूर्व में पदस्थ प्रदीप खन्ना का कई वर्षों के बाद हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा। क्षेत्र में लगने वाली कई खदानों को अधिकारियों की साठ घाट के चलते करोड़ों रुपए का शासन को चूना लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों को की गई थी, परंतु कुछ अधिकारियों की साठ घाट के चलते कार्यवाही नहीं की जा रही थी। कुछ समय पूर्व पत्रकारों के द्वारा संज्ञान में लेकर लोकायुक्त विभाग को इसकी जानकारी दी गई। इसके चलते हुए प्रदीप खन्ना पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप खन्ना के सहायक रहे चेन सिंह डामोर के भी कई काले चिट्ठों का खुलासा दीपालपुर तहसील के आला अधिकारियों के समक्ष विगत कुछ वर्षों से रखा गया, परंतु राजनीतिक संरक्षण या बाहुबली खनिज माफियाओं की साठगांठ के चलते कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि प्रदीप खन्ना के भ्रष्टाचारों में चेन सिंह डामोर भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं खनिज अधिकारी चेन सिंह डामोर और खनिज माफियाओं की साठगांठ के चलते सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व का सरकार को चूना लगाए जाने और लीज खत्म होने और लीज की स्थान परिवर्तन को लेकर कर भ्रष्टाचारों के मैं सबूत के दस्तावेज तहसील के आला अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी कार्यवाही का न होना सरकार से दंडनीय अपराध और आम जनता के शासन के प्रति अविश्वास को पैदा करता है। देखते हैं आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही करते हैं या लोकायुक्त जैसा विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। नेपालपुर तहसील की धुरेरी में सर लगने वाली खदानों द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों की जमीन और प्रशासकीय भूमि को खोदकर खनन किया गया है और लगातार यह खनन जारी है, इस बारे में बताइए। यह शिकायत मेरे संज्ञान में अभी लाई गई है और मैं राजस्व विभाग के जो भी राजस्व निरीक्षक पटवारी इनकी एक टीम बनाकर स्वयं भी मौके पर जाकर इनका सत्यापन करूंगा और यदि किसी भी लीज धारक के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, चाहे उसकी लीज की अवधि समाप्त होने के बाद उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो या उसको स्वीकृत जगह से अन्य जगह पर उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो या किसी किसान की जमीन पर उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। उनकी मौजूदगी में विगत दो साल पूर्व की गई शिकायत पर पंचनामा भी तैयार हो गया था और रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिसमें कई विसंगतियां सामने आई थी, इस बारे में सर कुछ कहेंगे? ये स्थिति क्यों निर्मित हुई थी ये मैं उस अभिलेख को देख कर ही कुछ कह पाऊँगा, बाकी मैं अपने स्तर पर इसकी पृथक से जांच करूंगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि खदान मालिकों की जो लीज की अवधि है वो ख़त्म होने जा रही है और शिकायत को लेकर किसानों को धमकाया भी जा रहा है। यदि ऐसी कोई भी शिकायत है तो उसकी बिल्कुल हम जांच करेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जाएंगे। जी सर, आपका नाम और पद? बजरंग बहादुर सिंह, तहसीलदार देवालपुर। कैनन न्यूज के लिए धुरेरी से बलराम देसाई की रिपोर्ट।